अजय जी इज काउंटर टू इट। पहले तो अजीज भाई साहब को ये बताना चाहिए कि रामपुर में जमानत बचेगी, लड़ने की बात बहुत दूर की है। अच्छा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वोट परसेंटेज अभी तो खैर दो घंटे के बाद आ जाएंगे फाइनल फिगर हमारे पास। अभी मैं दूसरे चैनल पे था तो बंगाल का एक प्रवक्ता कह रहा था टीएमसी का कि वोट परसेंटेज 78% हो गया। तो 78% वोट परसेंट बढ़ेगा तब भी आपके फेवर में, वोट परसेंट घटेगा तब भी आपके फेवर में, ये कौन सा इक्वेशन लेके आते हैं इंडिया वाले? भाई साहब वोटिंग हो रही है और जिस तरह से गर्मी थी और जिसके हिसाब से अभी भी लाइनें लोग लगे हुए हैं, फाइनल आंकड़ा आने दीजिए, वोट परसेंटेज या लोकतंत्र में वोट बढ़े, कोई भी जीते चाहे हारे वो मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है कि वोट बढ़ना चाहिए। उस बढ़े हुए वोट परसेंटेज या घटे हुए वोट परसेंटेज को आप एडवांटेज मानते हैं तो ये आपकी रणनीति हो सकती है। हमारा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने ये प्रयास किया है कि हम वोटरों को बूथ तक लाएं और वोट करवाएं और काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। परिणति क्या होती है ये 4 तारीख को पता चलेगी, लेकिन एक चीज़ तो तय है, मुद्दे चाहे डेवलपमेंट हो, विकास हो, मुद्दा चाहे हिंदुत्व हो, मुद्दा चाहे तुष्टिकरण हो, वोट इसी 3 चीज पे पड़ा है। अजीज साहब मैं खुल के कह रहा हूँ इन्हीं 3 चीजों पे वोट हुआ है, तुष्टिकरण पे हुआ है, हिंदुत्व पे हुआ है, विकास पे हुआ है। अब तीनों मॉडल में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अजीज जी ओके क्विक आंसर अजीज जी बोलिए। अजीज साहब देखिए अजय आलोक ने खुद ही इस बात को कह दिया, हिंदुत्व पे वोट पड़ा है, धार्मिक उन्माद पे वोट पड़ा है। देखिए इसी को ये तो इसी के इंतजार में थे, तुष्टिकरण के इंतजार में थे और 10 साल की उपलब्धि पर ये बात ही नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी ने इतने भाषण दिए लेकिन कोई उपलब्धि पे बात नहीं, तुष्टिकरण नहीं, उपलब्धि पे बात की, क्यों उपलब्धि पे बात नहीं की? उपलब्धि है ही नहीं। इसलिए मुजफ्फरनगर कैराना और मुरादाबाद में लोग हाईवे दिखा रहे हैं, लोग 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, अभी लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये क्या तुष्टिकरण है या हिंदुत्व है? अजय जी आप ये डेवलपमेंट है, हल्ला नहीं करिए, अपने टर्न पे बात करिए। आपने कहा बंगाल में 77% वोट पड़ा है, मैं कह रहा हूं विकास के साथ विरासत का काम किया। सर सुनिए ना, हमने कहा जिन जिन स्टेट में बीजेपी है वहां वोट परसेंटेज घटा है बड़े लेवल पे, आपने देखे बंगाल में बढ़ा है, रेणु मित्तल एंड ओमकारेश्वर पांडे जी। मैं आ रहा हूं दादा आ रहा हूं। रेणु जी अभी तक बोलिए, रेणु जी दिस इज व्हाट यू एंड मी वर डिस्कसिंग ऑन आवर इंग्लिश चैनल। आप तो कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि मोदी के फेवर में हो, लेकिन अभी देखिए विपक्ष ये कह रहा है, बट आई वॉन्ट अ जेन्युइन एनालिसिस फ्रॉम यू। विपक्ष कह रहा है भाई ये सब जो वोट कम पड़ा है वो भी उनके लिए, अभी वो कह रहे हैं बंगाल में ज्यादा हुआ है वो भी उनके लिए, तो बीजेपी कह रही है भाई सब कुछ तुम्हारा थोड़ी हो सकता है, कम है तो भी तुम्हारा, बड़ा है तो भी तुम्हारा, तो क्या बीजेपी झुंझुना बजा रही है 10 साल से? देखिए मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है इस बार कि एक तो कोई वेव नहीं है इस इलेक्शन में न बीजेपी के फेवर में और खिलाफ में, तो वेव नहीं है पर अंडरकरंट जरूर है। आप यूपी में जाइएगा तो आप देखिएगा कि कैसे लोग जो है वो चुप हैं, बोलना नहीं चाहते क्योंकि डरे हुए हैं। आपने कि देखा दिल्ली में क्या हो रहा है, केजरीवाल को जो जेल में डाला उसके ऊपर जो गरीब है बहुत जबरदस्त रिएक्शन है पर बोल नहीं रहा है। आपका घर का ड्राइवर हो, माली हो, चपरासी हो, चौकीदार हो, ये सब है। तो इसमें जो है ना जो ये फ्रीबीज बांटे गए हैं इसका फर्क पड़ता है। बीजेपी साउथ को नॉर्थ से कंपेयर करती है, वही सनातन, वही इश्यूज, वहां रिजर्वेशन बहुत पहले हो गया, ब्राह्मण बहुत पहले छोड़ के चले गए तमिलनाडु, वहां का पूरा कास्ट डायनामिक्स बदल चुका है। आप क्यों नॉर्थ को सुपर इम्पोज कर रहे हो साउथ पे? आपने जो है वहां लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं यहाँ की तरह नहीं कि आप रिलीजियस फर्वर और पैशन को लोगों में इंजेक्ट कर करके उनको अब कुछ दिखता ही नहीं है। साउथ में ये ट्रेंड नहीं है। आप साउथ जाएंगे समझेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो आप वो मतलब जरूर आपने मेहनत करी है बीजेपी ने वहां पर और मेहनत का असर आएगा पर इस इलेक्शन में मेरा मानना है इस इलेक्शन में हम एक माइक्रो लेवल पे हम इलेक्शन को एक माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, हमको एक मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति न की हो। आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप उनकी पॉलिसीज देखिए, पानी की पॉलिसी देखिए, आप टॉयलेट्स की बात करें, अपन घर की बात करें, तो बेनिफिशियरीज क्या इस बात से बेखबर होंगे?
तो मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो एक माइक्रो लेवल पे हम डिबेट कर सकते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर पूरी बढ़त बीजेपी की बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई ऐसा नेता है नहीं देश के अंदर जो देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप वोटिंग परसेंट पे जा रहे हो, आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो विजन है, उनके सरकार का जो काम है वो जरूर रंग लाएगा। रत्नाकर जी कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे जो उदय दादा ने बोला, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आप उदय जी को यही बताना चाहूंगा कि ये सच आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में जहां जहां वो गए वहां वहां उजाड़ नहीं दिया गया, जहां जहां पांव पड़े संतन के तह तह बंटा धार। तो ये बात तो मैं मानता हूं, और आप इस बात को ऐश्वर्य जी ऑन अ सीरियस नोट समझिए। आपके हमारे प्रधानमंत्री जो महानायक बनते हैं उन्होंने लगातार अपील की है कि आपने जो आंकड़े बताए ना, मैं स्टैट का स्टूडेंट रहा हूं, 10-20% का डिक्लाइन इन वोट्स है। आप कितना तक आए दादा, अभी 7 बजे का आना है, 15% तक आएगा। लोगों में लोकतंत्र के प्रति उत्साह घटा है, उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज घटी है। 14 को देखिए ना, जब तक दीपक जी को मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, हम बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, अजय आलोक को मिले, आप तब का परसेंटेज, आपका परसेंटेज कंपेयर कीजिए ना, आप समझ जाएंगे कि पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीयता कितनी तेजी से खोई है। आपको ऐसा लगता है तो दीपक चौरसिया बंसु कमेंट, पांडे जी को भी ले आइए, पांडे जी से गरिमा, ऑल फोर पीपल, पांडे जी, पांडे जी, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं। आपने उज्ज्वला गैस का त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी यहां बैठे, त्रिपाठी जी, आपने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लिया? आपके आसपास किसी का घर बना? अजय दादा आ रहा हूं। नहीं, हम दीपक चौरसिया जी, अगर आप सीधा जानना चाहेंगे तो हमारे आसपास के जितने भी गरीबों ने मकान दिया उनका मकान नहीं मिला, नहीं बना। अच्छा, हमारे आसपास 2-4 लोगों ने भी जो उज्ज्वला कनेक्शन लिया था ना, उन्होंने कनेक्शन छोड़ दिया। अच्छा, आपकी बात कर रहा हूं, आपने लिया था उज्ज्वला, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं या उनकी, मैं लूंगा, मैं बेईमान आदमी हूं, उज्ज्वला किसके लिए है आप मुझे बताइए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दीपक जी इतने सीनियर रिपोर्ट आके, मैं इसीलिए जानना चाहता था, मैं इसीलिए जानना चाहता था, इसीलिए जानना चाहता था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। काशी के हाईवे आप भी देख रहे हैं कितने वहाँ फ्लाईओवर बन गए हैं, काशी में आज दुनिया के सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिस्ट आ रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। काशी की इकोनॉमी काशी के कॉरिडोर के कारण पूरी बदल चुकी है, ये भी हकीकत है। अगर आप देखना नहीं चाहता मत देखिए, मैं ये नहीं, देखिए डेवलपमेंट को देखिए, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, ऑब्वियसली आप मोदी के, आप मोदी के बारे में पॉजिटिव नहीं बोलेंगे मैं समझता हूँ, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो तो बोलिए।